शुक्र करो कि ये आ गया, वरना आज तुम्हारी बोरी सल जानी थी। बस साशा, जाके मेरी बाइक पर बैठो और तुम शराफत से मेरा पीछा करो अपने सवारी पे। चलो आजकल की लड़की बहुत बहादुर है। कोई इसके साथ बदतमीजी करेगा या छेड़खानी करेगा तो वो उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। यूनिवर्सिटी में अच्छे मार्क्स का मतलब ये नहीं कि मार्क उठाई का परमिट मिल गया तुम्हें। तुम्हारी तान हमेशा मेरे मार्क्स पर आकर ही क्यों टूटती है? बात अभी ना उन लफंगे लड़कों की हो रही है। नेहा ने जो भी कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। आज के बाद उन लड़कों की किसी लड़की को छेड़ने की हिम्मत नहीं होगी। आज एक बहादुर लड़की को एक लफंगे ने छेड़ने की कोशिश की तो उस बहादुर लड़की ने उस लफंगे की पिटाई कर दी। वाकये पर मौजूद लोगों की राय जानते हैं और चलते हैं हमारे नुमाइंदे रेहान शेराजी की तरफ। आपके ख्याल में उस लड़की का एकदम दुरुस्त था या उसे इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए? उस लड़की ने जो भी किया बिल्कुल सही किया। अब वक्त आ गया है उस लड़की को मुंह तोड़ जवाब देना जो लड़कियों से बीच तरह पे बदतमीजी करते हैं। बदले में अगर वो मजीद बदतमीजी करते तो फिर अपनी मजीद मरम्मत करवाते। That's the spirit. ये होना चाहिए। मेरे ख्याल में गलती उस लड़की की है। उसे वैस्पा लेके घर से निकलना ही नहीं चाहिए था। इस तरह की हरकतें होंगी तो ऐसा तो होगा। भाई आप उसको गलत एडवाइस दे रहे हैं। लड़कियों को कुछ चीजें इग्नोर करनी पड़ती हैं अपनी इज्जत के खातिर। क्यों? किसी की बदतमीजी क्यों इग्नोर करें हम? सिर्फ इसलिए कि हमारी इज्जत का तमाशा ना बने। माफ कीजिएगा, आप जैसी जहल औरतों की जहल मेंटालिटी की वजह से सोसाइटी बर्बाद हो रही है। अगर अपने बेटों की अच्छी तरबियत नहीं कर सकती तो उनकी लंबी उम्र के लिए दुआएं और मन्नतें क्यों मांगती है?